वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बाकरखानी बनाना सिखाऊंगी, चीनी वाली बाकरखानी जिसको हम कहते हैं, जो हम बेकरी से जाके लेते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और बहुत ही आसान है ये। इसके लिए हमें पफ पेस्ट्री चाहिए। पफ पेस्ट्री आप घर में ही बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। ये मैंने घर में बनाई हुई है। और ये मैंने ड्राई फ्लावर लिया है, ये इसको बेलने के काम आएगा। और एक अंडा लिया है और चीनी ली है 2 टेबल स्पून। बस अब हम इन चीज़ों को साइड पर कर देते हैं और इसको बेल लेंगे और टमाटर डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे आराम आराम से। इसके ऊपर भी थोड़ा कर लेंगे इस तरह से, आराम आराम से करके हम इसको सारे को बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है इस तरह से करके। हमें कोशिश करनी है कि ये जो है वो स्क्वायर या ट्रायंगल में बन जाए, ताकि फिर सीधी सीधी सी आराम से कट जाए। अच्छा जी, इसकी मोटाई जो है ये देख लें इतनी रखी है मैंने, ये 1/4 इंच है। इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे वरना इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। अब हम इसको कट कर, इस तरह से हम इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं। अगर ये नहीं है तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, इससे ज़रा आसानी से हो जाता है। सबसे पहले इसकी साइड छोटी छोटी सी काट देते हैं ताकि नीट हो जाए। साइड से भी अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ जितनी चाहें रख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, बीच में से हाफ कर देती हूँ इस तरह से, और फिर इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ। इसकी हम इतनी मोटाई रख लेंगे। ये आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं जितने आप चाहते हैं। अगर थोड़ी चौड़ी रखना चाहते हैं तो चौड़ी रख लें। इस तरह से मैं अब ये सारे कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी कट कर ली हैं। अब मैं ये एक बेकिंग ट्रे ले लूँगी और ये इसके ऊपर रखूँगी सारे, थोड़े थोड़ा सा गैप छोड़। मैंने इस ट्रे पे लगा दी, इस तरह से मैंने गैप छोड़ा है, थोड़ी सी अभी बच गई और मैंने अलग रख दी हैं, वो मैं अगली दफ़ा मैं बेक कर लूँगी। अभी अंडा को मैंने बीट कर दिया है। अब मैं इसको ब्रश के साथ इसके ऊपर ब्रश करूँगी इन सबको, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना। और अगर आप लोगों को अंडा नहीं पसंद तो फिर आप लोग इसकी जगह मिल्क भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इन सब पे लगाऊँगी। और ओवन मैंने प्री हीट होने रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था और 200 डिग्री पे रखा था। और इसको अब हम बेक करेंगे 200 पे तकरीबन, इसको 20 मिनट में ये रेडी होंगी। इस तरह से मैं सब पे लगा लूँगी। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो भी आप ये बना सकते हैं। एक बड़ा सा पतीला ले लें इस जिसमें ये पैन आ सके, और उसके अंदर कोई वायर का रैक रख लें, या अगर नहीं भी है तो बेशक ना रखें, इसको डायरेक्ट रख दें पतीले पे। और उसका जो चूल्हा है वो चावलों का जो दम देते हैं उसे थोड़ा सा तेज़ रखना है, पर टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तकरीबन इसमें 40 मिनट्स लग जाएंगे इसको बेक होने में, पर ये पतीले में भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। मैंने एग सारा ब्रश कर दिया है। अब मैंने ये चीनी ली है, चीनी मैंने दानेदार ली हुई है, ये मैं इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी, सब पे डाल दूँगी। ये देखिए सब पे हमने चीनी लगा दी है। साइड्स पे ये बहुत ज़्यादा गिर जाती है, हालांकि ये गिरनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये जब बेक होती है ना तो ये इसमें इधर ही मेल्ट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इसको साइड से उठा दें। और बस अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चीनी वाली बाकरखानियाँ रेडी हो चुकी हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और इतनी आसानी से बन गई हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।